अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ आज नागपुर आए। वल्लभ ने नागपुर में एक पत्रकार वार्ता में कई मुद्दों पर टिप्पणी की। कल सांसद भवन के उद्घाटन समारोह पर कहा कि सांसद की कार्रवाई तभी शुरू होती है जब राष्ट्रपति अपना भाषण करते हैं। ये एक रिवाज है। इस रिवाज के मुताबिक भवन का उद्घाटन भी देश की प्रथम नागरिक यानी महामहिम राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। वही वल्लभ ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पिछड़े जाति की महिला को भाजपा ने राष्ट्रपति के पद पर बिठा तो दिया, पर लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन करने योग्य उन्हें समझा ही नहीं। इस तरह का अपमान मत कीजिए। आज देश की 20 विपक्षी पार्टियां संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है बल्कि बेहद शर्म की बात है। 18 बार कभी साबरमती के तट पर, कभी तमिलनाडु के कोस्ट पे, कभी चाइना के बागान में, कहां कहां आप नहीं मिले, उसके बावजूद जो चीन का एग्रेशन है, 1500 किलोमीटर जो भारतीय टेरिटरी है वो आज चीन कंट्रोल क्यों कर रहा है? LAC के हमारी तरफ चीन परमानेंट बंकर बना के क्यों बैठा है? हेलीपैड बना के क्यों बैठा है? हमारे गांवों के, हमारे शहरों के नाम चीन चेंज कैसे कर रहा है? चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी, शाम को 5 बजे जरूर करिए। पहला इकोनॉमी पे बताइए कि महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ाई, दूसरा किसानों के साथ छलावा और धोखा क्यों किया, MSP की लीगल राइट क्यों नहीं दी, तीसरा LIC और SBI में जो पैसा लगा हुआ है हिंदुस्तान के आम लोगों का, मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय परिवारों का, वो आपने अपने क्रोनी दोस्तों के हवाले क्यों कर दिया? अडानी की शेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया है, वो किसके हैं? चौथा चीन के बारे में 18 मीटिंग में आपने क्या बात करी? क्यों 1500 स्क्वायर किलोमीटर की भारत माँ की भूमि आज चीन के कब्जे में है? इसके बारे में जवाब दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव वल्लभ ने नितिन गडकरी के विषय में कहा कि आज नितिन गडकरी का जन्मदिन है। वो रोज कैसे रोड बनाते हैं हम जानते हैं कि हर दिन 38 किलोमीटर सड़कें कैसे बनती है। 2 परत वाली सड़क को 4 परत में बनाया जाता है। दिखावटी रचनात्मक लेखा जोखा नहीं किया जाना चाहिए, हम सब कुछ जानते हैं। तो हेटेड मतलब घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति अपने इलेक्टोरल छोटे मोटे गेंस के लिए क्यों प्रयोग में लाते हैं? और स्टैटिस्टिक्स है कि जो घृणा के क्राइम्स हैं, जो जिस तरह से हम आए दिन सुनते हैं कि एक व्यक्ति को 4 लोगों ने मिलके इतना पीटा कि वहीं पे मर गया, ये ऐसे एग्जाम्पल आज क्यों सेट? ये 5वां सवाल। 6ठा सवाल सोशल जस्टिस के लिए कि ऐसा क्यों हुआ कि जब एट्रोसिटीज़ विमेन, SC, ST, OBCs, माइनॉरिटीज़ पर लगातार बढ़ी तो आप उस समय खामोश क्यों रहे? और मैं सरकारी आंकड़ा लेके आया हूँ, दलित्स के खिलाफ एट्रोसिटीज में 2014 से 23% की वृद्धि है, 23%, एंड दिस इज नॉट माई डाटा, ये मेरा डाटा नहीं है, ये भारत सरकार का डाटा है कि एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित इंक्रीज्ड बाई 23%। महिलाओं के खिलाफ क्राइम है जो 2013 में 3 लाख थे वो आज बढ़ के 4,20,000 हो चुके हैं। तो क्यों आप खामोश रहे जब जो सोशल जस्टिस का फाउंडेशन है, जब एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित, SC, ST, OBCs, माइनॉरिटीज बढ़ रही थी, तब आप क्यों खामोश थे? और प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए एक सवाल का कि कास्ट सेंसस, अभी तक आपने कास्ट सेंसस की डिमांड को इग्नोर क्यों किया हुआ है? क्या आप OBCs को, दलित्स को, ट्राइब्स को, माइनॉरिटीज को और जनरल सेक्शन के लोगों को उनका राइट नहीं देना चाहते? NBC न्यूज के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।